Hi everybody, a very good evening. Hi Sanchari, hi Vijayalakshmi, Pratibha, Sanchari, Deepshuda, Geni, Ziva. How have you been? Hi Sadhna, Shobna. Hi to everyone. How have you been, everyone? Welcome to BYJU'S Exam Prep. This is your very own Dr. Priyanka, your Paper 2 Education faculty, and welcome to today's special session on Mary Wollstonecraft. Yes, जल्दी से अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो, बता दो उनको कि जो सेशन है वो शुरू हो गया है. दे शुड नॉट बी मिसिंग इंपॉर्टेंट थिंकर्स की हमने रेलगाड़ी चलाई हुई है. यू नो वी स्टार्टेड विद स्वामी विवेकानंद ऑलमोस्ट अ मंथ एंड हाफ बैक. देन आई डिड पोलो फ्रायर विद यू. एंड अभी जब थिंकर्स पे बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, सो वी हैव डन सावित्रीबाई फूले, वी हैव डन जीतू कृष्णमूर्ति, एंड नाउ इज द टाइम फॉर लर्निंग अबाउट द फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट, अ ग्रेट वुमन, अ फिनोमिनल वुमन. सो मीनवाइल मैं क्लास, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, सभी अपने फ्रेंड्स को जगा दो, उनको बोलो जल्दी से ज्वाइन कर ले, अदरवाइज दे विल बी मिसिंग ऑन दिस इंपॉर्टेंट सेशन. सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे वेंसडे और फ्राइडे को वाईटी टाइमिंग्स होते हैं, यूट्यूब टाइम आप ज्वाइन कर सकते हो. ट्यूसडे थर्सडे को 1 PM आई टीच ऑन ऐप. अगेन फ्री सेशंस हैं, एनीबॉडी कैन ज्वाइन. दिस इज अवर वेरी वेरी हैपनिंग टेलीग्राम चैनल जिसमें लेटेस्ट न्यूज होती हैं, और सिर्फ यूजीसी नेट रिलेटेड नहीं, बट जॉब रिलेटेड भी, जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड भी, राइट? सो थैंक यू सो मच सलोनी, थैंक यू वेरी मच. सो यस, फॉर ऑल द जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स, बाइलिंगुअल बैच जो है वो शुरू हो रहा है 11 जुलाई को, 16 जुलाई को. इंग्लिश बैच द ओनली प्लेटफॉर्म दैट्स ऑफरिंग यू लाइव क्लासेस इन बोथ मीडियम्स. एंड ये आप जानते हो, ये कुछ खूबियां है लेटेस्ट सिलेबस के साथ साथ. यू गेटिंग टेस्ट सीरीज, रिपोर्ट कार्ड ऑल्सो, सेक्शनल प्रोग्रेसिव टेस्ट ऑल्सो, सो 150+ मॉक टेस्ट, ऑल ऑफ दैट. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो डू कॉल ऑन द गिवन नंबर एंड दे हेल्प यू इन ज्वाइनिंग. इसके साथ साथ मैं सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू सो मच. मैंने आप सबको बताया हुआ है, आप सब मुझसे हमेशा पूछते हो कि मैम रिसर्च आर्टिकल्स, तो जो मेरे साथ कनेक्टेड है टेलीग्राम चैनल पे, मेरे भी और ऑफिशियल पे भी, वो जानते ही हैं. आप बोलते हो मैम रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर के बारे में बताओ, कैसे पब्लिश करना है. तो देखिए, मैंने जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का जर्नल है, विजन ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स, इसका जो लेटेस्ट कॉपी है, मतलब बाय एनुअली पब्लिश होता है, यानी साल में 2 बारी पब्लिश होता है. तो इस साल की जो कॉपी है उसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया है. आप इस जर्नल, गो थ्रू दिस जर्नल, सी की किस तरह रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं. एक लिस्ट है, आप चेक कर सकते हो इसमें से कि किस तरह रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और नेक्स्ट इश्यू के लिए आप अपने रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ सबमिट कर सकते हो. तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द जर्नल्स. मैं आपके साथ और भी जर्नल्स जो है वो शेयर करूंगी, बट बाय एनुअली है, यानी कि नेक्स्ट जर्नल के लिए उन्होंने कॉल कर लिए हैं आर्टिकल्स, तो आप यहाँ सबमिट कर सकते हो. और बाकी जर्नल इज देयर ऑन योर टेलीग्राम चैनल. सो गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग. सो यस, तो आज हम शुरुआत करेंगे मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट. थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ हो गया है भैया, टी लगा लो यहाँ पे, ठीक है? एजुकेशनल फिलोसफी, एक छोटा सा कोट है जो मैं पढ़ना चाहूंगी. आप जानते हो कि कीवर्ड क्या है, कि ये 18th सेंचुरी की लेडी थी, वर्ल्ड की फर्स्ट फेमिनिस्ट जो है इनको माना जाता था, और ये किसी भी रेवोल्यूशनरी से कम नहीं थी. शी वॉज नॉट लेस देन एनी रेवोल्यूशनरी. ऑल राइट, तो एक कोट लिखा है, आई डू नॉट विश वुमेन, बेसिकली उन्होंने वर्ड यूज किया देम, बट कॉनोटेशन था वुमेन, टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स. हम क्या मान के चलते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं आपको रटा के नहीं पढ़ाती हूँ कि ये याद कर लो. बायोग्राफी सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तभी आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर सकते हो. सो एज वी यूज टू कॉल हर फेमिनिस्ट, और आजकल फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चली हुई है. सो हियर शी इज क्लियरली डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म. फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इक्वालिटी. शी इज नो वेयर सेइंग कि फेमिनिज्म का मतलब है दैट फीमेल्स आर सुपीरियर टू मेन. नो, ऑल शी इज सेइंग इज दैट वी आर आस्किंग फॉर अस टू बी ट्रीटेड इक्वली. एंड वो क्लियरली बोलती हैं, बट ओवर देमसेल्व्स, पावर ओवर मेन नहीं. वी आर नॉट सेइंग दैट वी वांट टू डोमिनेट मेन, बट ओवर देमसेल्व्स, बिकॉज समवेयर और दी अदर जो विमेन हैं, दे हैव बीन कंडीशन्ड इन सच मैनर कि हम खुद अपने आप को कमजोर मानते हैं.
यू नो इट फॉर मेनी मेनी रीजंस. लड़का है, खाना क्यों बनाएगा. आजकल चीजें चेंज हो रही हैं, लड़की काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट हैविंग गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, बॉयज आर अलाउड. अरे वो तो लड़का है, एंड लड़की इफ शी हैज, वो लड़की, अरे उसने ऐसे किया. वी आवर सेल्फ टॉक लाइक दैट. So she's clearly saying that, this is not the problem. Gender discrimination is not just done by boys or by men or by the world. It is somewhere, inside us also, inside women also. And till the time we don't uncondition ourselves, हम लोग नहीं जानेंगे rationally कि equality का मतलब क्या है. जब हम खुद अपनी value नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया नहीं समझ पाएगी. So that was the quote I wanted to start with. Now, मेरी Wollstonecraft की कहानी आपको मैं सुनाती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, 1759 में शी वाज बोर्न, 1797 शी वाज, शी पास्ड अवे. सो ऑलमोस्ट 38 इयर्स एग्जैक्टली. आप वही देख लो कि जो स्वामी विवेकानंद जी का भी 38 इयर्स के अंदर ही देहांत हो गया था, सेम गोज विद मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. पाइनियर माना जाता है, वर्ल्ड की पहली फेमिनिस्ट माना जाता है. नाउ शी वाज बोर्न इन अ फैमिली जो कि पहले वेल ऑफ थी. जो इनके ग्रैंडफादर थे ना, वो ग्रैंडफादर जो थे वो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, रिच थे. इन्होंने जो प्रॉपर्टी होती है, जो जायदाद होती है, वो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के फादर को दी, बट ही कुड नॉट हैंडल इट. उन्होंने मिसमैनेज किया फाइनेंसिस को, एंड दैट वाज द रीजन कि जो मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जो फैमिली है उसको लिटरली यू कैन से वेरी बैड कंडीशंस, पुअर कंडीशंस, वी कैन नॉट से पॉवर्टी, बट वेरी पुअर कंडीशंस के अंदर जो है इनको ये इन्होंने अपना बचपन बिताया. और यही नहीं, इनकी जो स्कूल की एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है वो भी बहुत ज्यादा रगड़, जिसको कहते हैं ना रगड़ा खाना, उस तरह स्मूथ नहीं हुई. जितने भी महान लोग होते हैं उनको कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, और अगर कोई आसानी से चीज मिलती है तो उसे छोड़ देते हैं, जैसे कि लॉर्ड गौतम बुद्ध थे, है ना. तो इनको आसानी से नहीं मिला. शी वॉन्टेड टू गेट एजुकेटेड. यही नहीं, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. इनके 6 सिब्लिंग्स थे, शी हैड 6 सिब्लिंग्स, मतलब 6 भाई बहन थे. तो ये मान के चलती थी, इन्होंने पहले देखा कि इनकी खुद की फैमिली में रिलेशन बिटवीन द फादर एंड मदर वॉज नॉट गुड. द फादर वॉज वेरी वायलेंट, राइट. देन शी यूज टू फील दैट द मदर इज ट्रीटिंग द यंगर ब्रदर, मेरीज यंगर ब्रदर, मोर अफेक्शनेटली देन शी वुड बी ट्रीटिंग मेरी और हर सिस्टर्स. देन इन्होंने ये भी नोटिस किया कि इनके जो भाई थे उनको अच्छे स्कूलों में भेजा जाता था, और मेरी और इनकी जो सिस्टर्स थी उनपे इतना ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता था. एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर, एज अ वेरी कीन लर्नर, शी यूज टू सी ऑल ऑफ दिस. सो ये इतनी हार्डशिप्स जो है शी सॉ, शी फेस्ड, एंड दैट इज वाई इतनी मुश्किलों को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी है, और रादर इन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट का फ्लैग बेयरर बने. तो ये लिखा है कि ये लंदन में इनका जो है जन्म हुआ था, स्पिटलफील्ड्स जगह है, और बेसिक स्कूलिंग के बारे में एंड मेनली सेल्फ एजुकेटेड. और देन जो इनकी पहली जॉब थी वो थी कंपानियन के रूप में, अ कंपेनियन टू अ लेडी बाथ इन द ईयर 1878. बेसिकली कंपेनियन क्या होता है, इसे लेडी इन वेटिंग बोलते हैं. वी कॉल दैट लेडी इन वेटिंग. लेडी इन वेटिंग का मतलब होता है ऑल दोज पीपल हु आर क्वाइट रिच, पीपल हु आर इन्फ्लुएंशियल, तो उनको आपको पता है, आई वुडन्ट से नानीज, बट येस लेडी इन वेटिंग, यानी कि कोई सपोर्ट, कोई चाहिए होता है. तो शी हर फर्स्ट जॉब वॉज लाइक अ कंपेनियन और लेडी इन वेटिंग टू लेडी बैथ इन द ईयर 1878. अब 24 साल की एज में, स्लाइड्स पलटने से बेटर है कि हम एक फ्लो में इसको करें, है ना. 24 साल की उम्र में मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल खोला, ओपन्ड स्कूल गर्ल्स के लिए, गर्ल्स स्कूल खोला 24 साल की उम्र में अपनी सिस्टर के साथ मिलके. देखिए क्या एज होती है ना 24 की. यही नहीं, शी हैड मेनी फेल्ड रिलेशनशिप्स. हम इस बारे में बात नहीं करते, बट मुझे ऐसे लगता है हमें जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज यू पीपल आर यंग, यू पीपल फेस ऑल दीज थिंग्स. शी हैड मेनी फेल्ड रिलेशनशिप्स. ट्वाइस शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड. हर टू डॉटर्स आर फ्रॉम डिफरेंट फादर्स. इन द फर्स्ट टू लव अफेयर्स शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड, हाउ एवर शी वॉज सेव. जो अच्छे लोग होते हैं वो बच ही जाते हैं. शी पास्ड अवे आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड डॉटर. 11th डे था, आफ्टर शी गेव बर्थ टू हर डॉटर, उनका नाम भी मेरी है, एंड आफ्टर 11 डेज शी पास्ड अवे. तो जो मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट है, जैसे आपको मैंने बताया कि शी ओपन फर्स्ट स्कूल विद हर सिस्टर, एंड समहाउ शी हैड टू मूव आउट ऑफ लंडन.
एंड टिल द टाइम शी केम बैक शी सॉ कि वो जो स्कूल था वो बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में था और उस स्कूल को कुछ देर के बाद इनको बंद करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा उस स्कूल को, राइट? ठीक है, प्लस एज आई टोल्ड यू दैट हर पर्सनल यू नो रिलेशनशिप्स वर अंडर टर्मोइल. तो ये लिखा है ओपन अबाउट हर द फर्स्ट गर्ल स्कूल एंड ये इन्होंने किताब लिखा यू नो थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, बिकॉज लेडी इन वेटिंग वाली पोजिशन चली गई, स्कूल खोला वो बंद हो गया, फिर उसके बाद एक आधा काम इन्होंने आई थिंक नानी की तरह गवर्नेस की तरह इन्होंने काम किया, वो भी ज्यादा देर तक नहीं चला. देन व्हाट शी डिड, शी स्टार्टेड राइटिंग. तो इनकी जो पहली किताब थी वो 1787 में पब्लिश हुई, उसका जो टाइटल था वो था थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, यानी कि उसके अंदर इन्होंने बताया था कि लेडीज को एजुकेट किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि उस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम भी था ना, लेडीज को जैसे होम साइंस सिखाना, बॉयज के प्रति जो टीचर्स होते थे वो झुकाव रखते थे, गर्ल्स को उन सब्जेक्ट्स में जैसे साइंसेस के अंदर ज्यादा यू नो प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, ज्यादा एजुकेशन फॉस्टर नहीं की जाती थी, सिर्फ नाम कहने के लिए ही यू नो गर्ल्स वर एजुकेटेड एंड मोर सो कि घर का काम करो और मीक रहो, चुप रहो, जैसे यू नो लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है. तो उसके बाद मेरी अ फिक्शन इन्होंने यू नो पब्लिश की और उसके बाद एक स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखी इन्होंने, बच्चों के लिए ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ. अब ये फेमस कैसे हुई, ये फेमस इन किताबों की वजह से नहीं हुई, हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन. किसी को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकता है क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. यस, कैन एनी वन टेल मी व्हाट हैपेंड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन? एनीबडी, क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन. आई वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टुडे. यस यस, गेट सम गुड नंबर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन? सो दीज आर जस्ट फ्यू बुक्स, इन्होंने बहुत ज्यादा किताबें लिखी और सबसे जो फेमस जो पूछी भी जाती है हमारे यू नो यूजीसी में, सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो है ये वाली, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमन. मोस्ट कॉमन जो इनकी किताब है, मोस्ट फेमस, जिनकी वजह से इनको जो है यू नो जो सबसे ज्यादा यू कैन से फेम मिला इस किताब की वजह से मिला, जो फेम था वो बाकी किताबों की वजह से नहीं, इस किताब की वजह से मिला था. यस साधना, यू कैन से सो. सो इन्होंने जो है ना इस किताब की वजह से ये फेमस हुई. हुआ ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, नाउ एज शी कॉल्ड फॉर लिबर्टी इक्वालिटी, तो फ्रांस के अंदर भी उस टाइम पे जो वर्कर क्लास थी उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था उन लोगों के अगेंस्ट जो बहुत पावरफुल थे, जो डोमिनेट थे, डोमिनेटिंग थे, जैसे ऑप्रेसर्स नहीं होते हैं, तो ऑप्रेस्ड क्लास ने ऑप्रेसर्स के खिलाफ जो है वो, अगर मैं आपको एक छोटे से यू नो नटशेल में बताऊं तो उन्होंने दे कॉल्ड फॉर इट, है ना, इगैलिटेरियन सिस्टम ऑफ द सोसाइटी के लिए उन्होंने कॉल किया था. तो फ्रेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, सो शी सपोर्टेड दैट. इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट किया. ये देखिए 1789 में जो मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट है वो एक्चुअली में पब्लिक आई में आई. इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दी किताब, राइट? और वो किताब क्यों लिखी, क्योंकि शी वॉज रियली इरिटेटेड विद विद दिस मैन कॉल्ड एडमंड बुरके. ये एक लिटरी आर्टिस्ट है, मतलब लिखते थे किताब. इनकी रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये जो किताब है ये यू नो इन्होंने लिखी. इसके अंदर इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में गलत बोला कि नहीं, यू नो पीपल आर रॉन्ग, दे शुड नॉट रिवोल्ट, जो पावरफुल लोग हैं, मतलब जैसे हम लोग देते हैं ना अपना अपने पक्ष रखते हैं कि अपनी गलतियां जो होती हैं उनको छुपाते हैं, तो उसी तरह जो एडमंड बर्के है यू नो ही ऑल्सो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड हैड इन्फ्लुएंस ओवर पीपल. एंड इन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैसे रेवोल्यूशन जो था वो अनजस्टिफाइड था, अनकॉल्ड था, इट वॉज रॉन्ग. सो मेरी बिकेम वेरी इरिटेटेड. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन किताब लिखी. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमन जो है उन्होंने फेमस किया, लेकिन एक्चुअली में उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन. तो यहाँ पे जो मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट थी, यहाँ पे उनका मतलब मैन मतलब एज अ मेल नहीं है, हियर शी मेंट पीपल हु वर यू नो रिवोल्टिंग, पीपल हु वर सफरिंग, जिन्होंने रिवोल्ट किया था. सो इट वॉज दैट यू नो. और शी हेटेड द फैक्ट कि जो बुके है उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में जो डोमिनेटिंग क्लास है उसको यू नो जस्टिफाई करने की कोशिश की है और रेवोल्यूशन को जो है उन्होंने दबाने की कोशिश की है. तो इन्होंने किताब लिखी. अब इनकी किताब जो है पढ़ने के बाद, ये टॉम पेन करके राइटर है, इन्होंने एक और किताब लिख दी.
आफ्टर रीडिंग हर बुक द राइट्स ऑफ मैन. इन्होंने लिखा द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, और ये जो टॉम पेन है इन्होंने लिख दिया द राइट्स ऑफ मैन. तो मेरी को जो है बहुत गुस्सा चढ़ा, है ना. देन शी इन 1792 रोट दिस बुक विच गॉट हर फेम, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमन. यहां पे इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए दैट व्हाई इक्वालिटी इज सॉट स्पेशली व्हेन वुमेन, बिकॉज एज अ वुमन एज आई टोल्ड यू इन द 18th सेंचुरी वैसे पेट्रियार्की टॉप पे थी, आजकल भी चलती है तो उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा थी, राइट. सो दैट इज व्हेन शी स्पोक अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड अबाउट फेमिनिज्म एंड ऑफकोर्स रिवोल्ट के बारे में तो ये ऑलरेडी पहले लिख चुकी थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस बुक इट बिकेम वेरी फेमस, क्योंकि एक वुमन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे उसे इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, एंड हाउ शी इज रिलेटिंग टू द लिटरी वर्क, जो टॉप लिटरी आर्टिस्ट है हाउ दे आर बींग अनजस्टिफाइड इन देर वर्क. सो दिस बुक गॉट हर फेम, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, जर्मन में दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड. नाउ यही नहीं, हम पढ़ते हैं ना रूसो के बारे में. रूसो जो है नेचुरलिस्ट, यस, रूसो के बारे में बात करते हैं. तो रूसो की एक किताब थी एमिली. अब ये एक फिक्शन थी, लेकिन मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट ने नोटिस किया, आप भी करिएगा, कि अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं या अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं, अमेरिकन लिटरेचर में इतना नहीं है तो, या अगर हिंदी की भी पढ़ते होंगे नॉवेल्स, तो उसमें दिखाया जाता है कि लड़की कौन अच्छी है, जो बिल्कुल सहमी हुई है, बिल्कुल दबक के रहती है, दुबक के रहती है, और व्हाटएवर शांत रहती है. सो दिस इज वॉट शी सेड दैट यू पीपल आर सो इन्फ्लुएंशियल, और आप जो अपने वर्क्स लिखते हो, द काइंड ऑफ बुक्स यू राइट, वहां पे दिखाया है दैट वुमन इज डेंटी एंड शी इज काइंड हार्टेड, शी डजंट स्पीक, शी इज वेरी पोलाइट, इनजस्टिसेस आर हैपनिंग टू हर एंड स्टिल शी इज टेकिंग इट ऑल. तो ये इस तरह के आर्टिस्ट जो जब अपनी किताबें लिखते थे, और ऑटोमेटिकली जब आप और मेरे जैसे लोग उसको पढ़ेंगे, तो हम इतना जब उसको पढ़ते हैं तो हमें हमारी कंडीशनिंग हो जाती है दैट वुमेन आर सपोज टू बी लाइक दैट. सो शी रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस दैट यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग थिंग. रूसो के जो इन्होंने वर्क था, इसके खिलाफ इन्होंने एक्ट किया, बोला कि आप अपनी किताबों के अंदर जो लड़कियां हैं उनको ऐसे नहीं दिखा सकते हो दैट बीइंग डेंटी इज गुड, और बीइंग लेसर लेस एजुकेटेड इज गुड, और बस अपना मेड का काम की तरह आप अपने घर में काम करते रहो, किचन में काम करते रहो, बच्चों का ध्यान रखो, और ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं दिखना है, क्योंकि अगर आप दिखोगे तो देन यू आर नॉट अ वुमन इनफ. सो शी स्पोक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. यस यस मानसी, एब्सोल्युटली रूसो ने डिस्क्रिमिनेशन किया है. अब कुछ की पॉइंट्स, पहले तो इगैलिटेरियन सिस्टम, फेमिनिज्म, फिर मैंने आपको किताबें बता दी, फ्रेंच रेवोल्यूशन बता दिया, इगैलिटेरियन सिस्टम, रेडिकलिज्म, हाउ शी अपोज द डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, आपको ये भी बता दिया, रूसो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया. अब नाउ शी कॉल्ड फॉर रेशनैलिटी. इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो रेशनैलिटी के ऊपर होनी चाहिए, रीजन के ऊपर होनी चाहिए, डॉक्ट्रिनेशन इंडॉक्ट्रिनेशन के ऊपर नहीं, कंडीशनिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए. सबके ह्यूमन राइट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि मेन एंड वुमेन हैव टू बी इक्वल, हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है. एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी बोला कि जो पेरेंट्स होते हैं, वेदर इट वॉज पॉलिटिक्स, वेदर इट वॉज एजुकेशन, वेदर इट वॉज सोसाइटी, शी जस्ट गेव हर व्यूज ऑन एवरी सब्जेक्ट. सो शी सेड दैट बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वही डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कहीं ना कहीं अपने बेटे और बेटी के बीच में. लड़कियों को घर के काम सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि कैसे आपको डोसाइल रहना है, घर में रह के खुश रहना है, ड्यूटीज करनी है, ज्यादा एजुकेशन नहीं करना है, ज्यादा आपको इंडस्ट्रियस भी नहीं होना है, अपने लिए ज्यादा ख्वाब भी मत देखो, ये आपको सिखाया जाता है अगर तुमको दूसरे घर जाना है, ऐसे वैसे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. इवन अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स ऑल्सो, मैंने देखा है कि बस हमें नेट क्रैक करना है. भाई क्यों क्रैक करना है, क्योंकि भाई हम अपने ससुराल में दिखाना चाहते हैं कि दैट इज इट. पीएचडी नहीं करनी है, जेआरएफ नहीं, जेआरएफ में कुछ नहीं रख. अ फ्यू ऑफ द गर्ल्स जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, आई मीन आई रियली आई वुड बी लाइक कि क्या आप दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हो, आपको नेट क्रैक करना है क्योंकि आपको प्रूव करना है. सो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ ग्रेट वुमेन. I would say, don't take my, words to heart, but that's not the, sign of great women or good girls, I would say. So, she said ki aapki ye soch isliye kyunki aapko is tarah train karke rakha gaya hai, right? So, women, she said, could be as professional as men and they could have careers as good as men, right? And also have equal opportunities. Aim of education mein quick points karte hai, equal education for men and women. Co-education, उस टाइम में बॉयज और गर्ल्स का अलग स्कूल होता था, बट मेरी सेड दैट नो, वी शुड बी इक्वल एंड देयर शुड बी को एजुकेशन. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आनी चाहिए आपको,
कपड़े लेने हैं या कुछ भी सामान लेना है, वी ऑफन गेट इनडिसाइसिव इवन नाउ. सो शी सेज, व्हाट इज एजुकेशन? द एबिलिटी टू यू नो डेवलप द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. देखिए, इस लेवल के ऊपर आपको कनेक्ट करनी होती है चीजें. अगर आप सांख्या फिलोसफी पढ़ते हो तो सांख्या फिलोसफी भी किसकी बात करती है? सबसे पहले प्रकृति के एवोल्यूट की बुद्धि. सो इसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. व्हेन यू आर लिंकिंग पॉइंट्स, बुद्धि, व्हाट इज बुद्धि? कॉस्मिक इंटेलेक्ट. व्हाट इज इंटेलेक्ट? व्हिच इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग यू, राइट? देन इक्वल राइट्स एंड यू नो फ्रीडम. इलिमिनेट सोशल इवल्स लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. एज आई टोल्ड यू, यू नो लड़की का काम है, लड़के का काम है, लड़की को इंडस्ट्रियस नहीं होना है, ज्यादा आगे के लिए नहीं सोचना है, ऑल ऑफ दैट. देन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी जो है होना चाहिए. रियलाइज वॉट यू वॉन्ट. एंड अनदर थिंग विच शी सेड, एंड आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल, इज बिकॉज इट्स वेरी पर्टिनेंट एंड ऑल्सो बिकॉज इन अवर सब्जेक्ट वी हैव मोर यू नो फीमेल स्टूडेंट्स. See this. She says education renders financial independence to females. Financial dependency on partners is a feed to patriarchal mindset and creates hardships in females' life. बहुत ही true चीज इन्होंने लिखी है. इन्होंने कहा कि अगर आप अपने लिए earn नहीं करते हो as a woman, तो आपके जो भी मेल्स हैं फैमिली में, बीट योर हस्बैंड, बीट योर ब्रदर और बीट योर फादर और एनीवन एल्स, यू नो दे वुड नो कि आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो, आप उनके पैसे के ऊपर डिपेंड करते हो. तो आप क्या कर रहे हो? आप पेट्रियार्की को और फीड कर रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो. और जिस भी इंसान को पता है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो आपको दबाएगा, राइट? वो आपको डोमिनेट करेगा, कहीं ना कहीं सुनाएगा. सो दिस इज व्हाट शी सेज कि आप जब खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप अपने लिए खुद फाइनेंसेस अर्न नहीं करते हो, नो मैटर कम करो या ज्यादा करो, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. अगर आप इनके वर्क्स पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली शी कन्वेज दिस दैट यू नो यू विल बी रिस्पेक्टेड इन योर फैमिली, इन द सोसाइटी, इफ यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. नो मैटर वॉट एवर यू गेट, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. करिक्यूलम के लिए इन्होंने क्या बोला? शी वॉज एब्सोल्यूटली अगेंस्ट ट्रेडिशनल करिकुलम, क्योंकि जो ट्रेडिशनल करिकुलम था वो बेस्ड था इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर, है ना? ये किसके ऊपर ट्रेडिशनल करिकुलम बेस्ड होता है? टीचर सेंट्रिक होता है, यस, सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है. तो शी वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट. फिर करिकुलम के अंदर आपको पनिशमेंट्स भी दी जाती है, हार्ड, यू नो, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको डांटा जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है. सो शी वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट इट. शी सेड आप कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाओ? हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटी जिसको कहते हैं, मॉरल साइंस, मोरालिटी. आप उनको रीडिंग बुक्स पढ़ने के लिए आप उनको जो है प्रोत्साहित करो, लिखने के लिए आप उनको जो असाइनमेंट्स है वो दो. मैथमेटिक्स आनी चाहिए, रेशनैलिटी आनी चाहिए, साइंस पढ़ाइए, साथ ही साथ में आप उनको ह्यूमैनिटीज पढ़ाइए. मतलब साइंस टेक्नोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर रीजन और रेशनैलिटी जो है वो एड करता है. बट एट द सेम टाइम जब आर्ट्स होता है, आर्ट्स के अंदर क्या आ गया? पोएट्री आ गया, है ना, या राइटिंग प्रोस आ गया, या ड्रॉइंग्स आ गया, पेंटिंग्स आ गया. तो व्हाट आर ऑल ऑफ दे आर पर्गेशन ऑफ इमोशंस, पर्गेशन ऑफ इमोशंस. आप देखिएगा जब भी आप स्केचेस बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस वहां आता है. कईयों को फ्लावर्स बनाना पसंद होता है, कईयों को माउंटेन्स, घर एंड ऑल ऑफ दैट. सो समवेयर और दी अदर अवर सबकॉन्शियस यू नो के थ्रू जो है हमारा पर्गेशन ऑफ इमोशंस जो होता है, और हम यू नो वी क्रिएट समथिंग. सो शी सेड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद को करिकुलर एक्टिविटीज. एंड उस टाइम के टीचर्स को शी यूज टू से कि वो क्या है? पिडेंटिक टायरेंट्स है. पिडेंटिक टायरेंट्स मतलब टिरेनी के साथ बच्चे भी उनसे घबराते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट टीचर्स होती है. सो शी सेड दैट यू नो टीचर्स हैव टू बी नॉट अथॉरिटेरियन, दे हैव टू एक्ट डेमोक्रेटिकली, टेक द यू नो बोथ द जेंडर्स इक्वली, इक्वल ट्रीटमेंट दें. You know, subjects like music, sports, painting, etc. can be and must be taught. For methods of teaching, she was absolutely against, you know, completely lecture-centric method. वो सोचती थी कि वो बहुत authoritative होता है. तो rather कोई भी concept आप पढ़ रहे हो तो you should have interactive sessions, discussions होंगे, you know, Socratic dialogue जिसको कहते हैं, Socratic dialogue होता है. सो ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज, आप दो बच्चे को लैबोरेट करके काम करें. अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो तो आप उनको लेट देम एक्सपीरियंस. इससे अगेन रीजन, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सब डेवलप होता है. एंड जो भी मेथड ऑफ टीचिंग होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट. शी यूज्ड टू क्लियरली से दैट यू नो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. Every child has their own innate quality. जैसे हम दिखते अलग अलग हैं, वैसे ही हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं, वैसे ही हमारा aptitude जो है वो अलग अलग होता है. And she used to say कि हमें वो अपनी natural जो quality है ना, वो
रखनी, उसके ऊपर पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए उसको फॉस्टर करने के लिए, जैसे पुराने गुरुकुल सिस्टम के अंदर होता था, है ना। पर्सनलाइज्ड अटेंशन आप देंगे, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और बेस्ट गाइडेंस दोगे जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। इंट्रोवर्ट चाइल्ड विल रिक्वायर मोर ऑफ योर यू नो केयरिंग टच। एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड जो है उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में आपको देखना पड़ता है, राइट। कई शाय बच्चे होते हैं, उनको आपको सेंसिटिवली जो है उनके साथ आपको बर्ताव करना पड़ता है। सो बेसिकली शी सेज दैट यू नो अ टीचर हैज टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। और स्कूल्स और डिसिप्लिन, एज आई टोल्ड यू, को एजुकेशनल स्कूल्स के लिए उन्होंने बोला, और इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशनल मेथड यानी कॉन्वर्जेशन इंटरेक्शन के थ्रू टीचिंग होनी चाहिए, एंड बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो नहीं होना चाहिए। शी वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। शी सेड सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपने आप आएगा, जब आप मोरालिटी सिखाओगे, ह्यूमैनिटीज आर्ट सिखाओगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बच्चे कोऑपरेटिवली पढ़ेंगे, सीखेंगे और वो डिसिप्लिन में रहेंगे। अब यू नो व्हाट वाज हर यू नो ओपिनियन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी या फिर एक आइडियल फैमिली, वहां पे जहाँ पे जो मदर है वो एजुकेटेड होगी, वो काम भी करेगी, एज इट्स रिटन हियर, शी हैड अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल फैमिली वेयर द बेबीज वर नरिश्ड बाय एन इंटेलिजेंट मदर एंड नॉट सेंट अवे टू नर्सेज एंड देन टू बोर्डिंग स्कूल्स। यानी कि जो मदर है वो इंटेलिजेंट होगी, मदर एज दिस इज द फर्स्ट टीचर टू द चाइल्ड, और वो अपने बच्चे को सिखाती है, वो सिखाएगी, अपना काम भी करेगी। और जो फादर्स हैं उनको एज फ्रेंड्स ट्रीट करना चाहिए। पेट्रियार्की सिस्टम में इवन हमारे भी कहते हैं ना कि फादर से लड़के भी लड़कियां भी डर के रहते हैं। सो शी उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा था कि फादर्स जो थे वो वैसे भी बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव थे और टिरेनी होती थी बच्चों के मन में उनके लिए। सो शी सेड वी हैव टू चेंज दिस होल इकोसिस्टम एट दैट टाइम, कि जो फादर्स हैं दे हैव टू एक्ट मोर लाइक फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने, प्रोस लिखे, लिटरी पीसेस लिखे, एसेज लिखे, बहुत ज्यादा ट्रांसलेटेड वर्क्स इन्होंने किए, जिसमें से कुछ ही मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस ओपिनियंस, एलिमेंट्स ऑफ मोरालिटी फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन, इंट्रोडक्टरी एड्रेस टू पेरेंट्स, यंग ग्रैंडसन डिस्कोर्स द लव ऑफ अवर कंट्री। अलॉन्ग विद दिस शी पब्लिश्ड अनदर बुक लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन। दिस इज व्हेन शी ब्रोक ऑफ विद वन ऑफ हर रिलेशनशिप्स एंड शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, दैट इज व्हेन शी रोट दिस पीस। और इसके अलावा भी जो मेरी वॉलस्टोन क्राफ्ट है, शी रोट लॉट मेनी लिटरी पीसेज, लॉट मेनी बुक्स। सो इन अ वे कीवर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। एवरी वन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। Yeah, so you can ask me some questions if you have any. नो, तुम लोग बह गए हो क्या मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट की फिलॉसफी में? तो तुम्हें पता है तुम्हें सीख क्या मिलती है मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट से, कि 38 ईयर्स की लड़की उस टाइम पे घर में उसको अच्छी एटमोस्फियर नहीं मिलता है, उसको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में अहमियत नहीं मिलती है, लेकिन वो फिर भी पढ़ती है, सोसाइटी का भला करती है। यही नहीं, उसको सोसाइटी के बारे में पता है कि क्या हो रहा है, वो बड़े बड़े लोगों की बुक्स पढ़ती है, उनमें से नुआंसेस ढूंढती है कि क्या सोसाइटी को गलत कंडीशनिंग दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन द पावर शी हैड, हु डिड नॉट गेट एनी हैप्पीनेस फ्रॉम एनी फ्रंट, बट शी डेडिकेटेड हर लाइफ कंप्लीटली टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मुझे किसी ने पूछा है, किरण ने पूछा है कि किरण मैया, सो किरण मई बेसिकली पोस्थमसली इनके जो लास्ट हस्बैंड थे, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम बिकॉज शी हैड थ्री पार्टनर्स, जो लास्ट इनके हस्बैंड थे पोस्थमसली उन्होंने लेटर्स इनकी को पब्लिश किया था, डैट हैपन्स टू बी हर लास्ट पब्लिकेशन। आर वी गुड, आर वी गुड, बहुत एग्जैक्टली। तभी जब तुम लोग मुझे कहते हो ना, मैम ये लाइफ में टफ है, मैम स्ट्रिक्ट, तो आई एम लाइक, अरे यार इनको देखो, इनको देख के कौन कह सकता है। 38 ईयर्स की एज में जो इतनी अवेयर लेडी है, हर जगह से उसको दुख मिल रहे हैं, फिर भी वो शी स्टैंडिंग, वी मस्ट लर्न फ्रॉम देयर फिलोसफीज। दिस इज व्हाट आई रियली फील, इजंट इट। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक दो बातें करनी है।
वो ये कि मैंने अभी लेटेस्ट वर्कशॉप ICSSR की वर्कशॉप जो है वो ग्रुप में शेयर की है। आई थिंक ये उज्जैन के अंदर हो रही है। वो सभी वर्कशॉप्स जो मैं आपको कहती हूँ कि रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशॉप, जो कि अभी नहीं तो आप तब करोगे जब आपकी यूनिवर्सिटी में आएगी। रिसर्च मेथडोलॉजी की वर्कशॉप होती है 15 दिनों की, राइट? तो सबसे पहले अगर आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं तो ये, क्योंकि आज मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आज या कल रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप है जो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो, उसमें एडमिशन भी ले रहे हो, उसके बाद भी करनी पड़ेगी। और आगे की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी सेमिनार, कोई भी आप वर्कशॉप, कोई भी आप सिंपोजियम एक्सेट्रा तो आप कर रहे हो, तो मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, समझदार को इशारा ही बहुत होता है, सिर्फ वहीं से करना जो ICSSR स्पॉन्सर्ड हो, या जो UGC स्पॉन्सर्ड हो, या NCTE स्पॉन्सर्ड हो, या NCERT स्पॉन्सर्ड हो, या वो ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क, ये इनके स्पॉन्सर्ड चीजों से ही कोर्सेज करना, ठीक है? आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ योर टाइम, और नीदर वो आपके एपीआई स्कोर के अंदर काउंट होता है, ठीक है? सो ऑल ऑफ यू हु आर क्लोज टू उज्जैन, यू मस्ट एनरोल योर सेल्फ फॉर दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप फॉर 15 डेज। मेरा कोई पर्सनल नहीं है, ओके? ICSSR का है, विच इवेंचुअली यू हैव टू डू, एंड वेन यू विल डू यू विल रिमेम्बर मी। यस, सो टेल अबाउट क्वेश्चन गिवन इन UGC नेट। वॉट डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू अबाउट क्वेश्चन गिवन इन UGC नेट किरण? लेट द क्वेश्चन पेपर कम एंड देन वी विल डिस्कस। यस, कई तो मुझे ऐसे ऑर्डर करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। बस अब टाटा बाय बाय करें, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं है तो। ऑल राइट ही, ओके, वंडरफुल। अगेनी आई थिंक मैंने वो शेयर किया है ना आपके साथ परफॉर्मा, तो उसको फिल करना है और उसको सबमिट करना है। सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, लेट मी टेल यू। तो आई थिंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। ये जो जितने भी ICSSR स्पॉन्सर्ड वर्कशॉप्स होती है, स्पेशली ये जो 15 दिनों वाली वर्कशॉप है, 15 डेज वर्कशॉप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशॉप फॉर एनीबॉडी हु इज डूइंग पीएचडी, या अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आपने ये वर्कशॉप की हुई है तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर वाइवा, ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल ऑल्सो, ठीक है? किरण, मेनली मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट के बारे में मैंने आपको बोल दिया है कि किताबों के ऊपर क्वेश्चन आता है, मेरी ऑफ फिक्शन के ऊपर किताब के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शी वॉज अ फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म की थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है ऑफ वुमन, ये क्वेश्चन आते हैं, इगैलिटेरियन सिस्टम के ऊपर थी वो, है ना? फिर एक क्वेश्चन आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, शी वॉज अ सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। These are the main, questions that are asked. But going with the trend, you should have deeper study because conceptually, ये तो factual based questions हैं. These are just fact based. So in order to, answer conceptual based questions, you must be thorough with her philosophy, with her biography. All right. चलो, take care, bless you all. I will see you all tomorrow in the course classrooms at 4 p.m.